Hello everyone, welcome to class number 101 of the chapter Programming Using C++. So, आज के class का हमारा discussion का topic है Detecting End of File. तो जैसे कि last कुछ classes में हमने already discuss किया है कि एक file को हम C++ program के through कैसे open कर सकते हैं, open करने के बाद उसमें writing operation, reading operations हम कैसे perform कर सकते हैं, writing and reading operations perform करने के बाद उस particular file को प्रोग्राम टर्मिनेट होने से पहले कैसे क्लोज कर सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सपोज हम कुछ राइटिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं या फिर रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पे हम फाइल के एंड में पहुंच चुके हैं या फिर नहीं पहुंचे हैं, उसको चेक करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं हमारे C++ प्रोग्राम में, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन. सो वी कैन डिटेक्ट when the end of the file is reached by using the member function EOF. तो हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर फाइल के एंड में हम पहुंच चुके हैं बोल के कैसे जान सकते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन यूज करके, जिस मेंबर फंक्शन का नाम है EOF. EOF means end of file. Okay. So ये जो end of file member function है या फिर जो end of file function है, ये end of file function हमें return करता है non-zero value, मतलब true return करता है, कब, जब हम फाइल के एंड में पहुंच चुके होते हैं. बट अगर हम फाइल के एंड में नहीं पहुंचे हैं अभी तक, तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा, जीरो. ओके, तो अगर एंड ऑफ फाइल फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा है जीरो, इसका मतलब हम फाइल के एंड में अभी तक नहीं पहुंचे हैं. ओके, अगर वो हमें रिटर्न कर रहा है नॉन जीरो वैल्यू, मीन्स अगर वो हमें रिटर्न कर रहा है ट्रू, देन हम फाइल के एंड में पहुंच चुके हैं. ओके, तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. तो मैंने यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लिया है पहले समझा देता हूँ. तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल C++ प्रोग्राम लिया है, जहां पे मुझे क्या करना है, इस सिंपल C++ प्रोग्राम में यूजर से मुझे उसका रोल नंबर एंड नेम एक्सेप्ट करना है, एंड रोल नंबर एंड नेम मैंने जो यूजर से एक्सेप्ट किया उसको फाइल में राइट करना है. राइट करने के बाद उसको फिर मुझे रीड करना है, और जब मुझे रीड करना है तब एंड ऑफ फाइल फंक्शन को यूज करना है. ओके, ये चेक करने के लिए कि हम फाइल के एंड तक तो नहीं पहुंच गए. फाइल के एंड तक जब तक नहीं पहुंचते तब तक वो क्या करेगा, तब तक वो रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता रहेगा. ओके, तो पहले एक सिंपल C++ प्रोग्राम देखते हैं कि अगर मुझे यूजर से उसका रोल नंबर एंड नेम एज ए इनपुट एक्सेप्ट करना हो और एज ए आउटपुट प्रिंट करना हो, तो उसके लिए हम कैसे प्रोग्राम लिखेंगे. जैसे कि कोई भी C++ प्रोग्राम हम शुरू करते हैं हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से, जहां पे हम आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को प्रोग्राम के साथ लिंक करते हैं. फिर मैंने यहाँ पे लिया कोनियो हेडर फाइल को, जबकि हमें फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एपस्ट्रीम हेडर फाइल को भी प्रोग्राम के साथ लिंक किया. फिर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया एक क्लास स्टूडेंट, फिर मैंने दो डाटा मेंबर्स लिए रोल एंड नेम, फिर मैंने एक मेंबर फंक्शन लिया गेट डाटा, जिसको यूज करके मैंने यूजर से रोल नंबर एंड नेम का वैल्यू एक्सेप्ट किया. फिर मैंने यूज किया पुट डाटा फंक्शन, पुट डाटा फंक्शन को यूज करके हमने क्या किया, पुट डाटा फंक्शन को यूज करके हमने उस नेम एंड रोल नंबर जो कि यूजर से हमने एक्सेप्ट किया था उसको एज ए आउटपुट हमने प्रिंट किया. उसके बाद क्लास का काम खत्म, क्लास क्लोज. फिर हम आएंगे मेन फंक्शन में, मेन फंक्शन को मैंने ओपन किया. मेन फंक्शन के अंदर स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया स्टूड, STUD, जबकि मुझे फाइल रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो एपस्ट्रीम क्लास का भी मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फाइल, जबकि हमने कोनियो हेडर फाइल यूज किया तो मैंने यहाँ पे यूज किया CLRSCR फंक्शन. फिर मुझे क्या करना है, मुझे फाइल को ओपन करके उसमें पहले राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एपस्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके ओपन फंक्शन के थ्रू SKS फाइल को मैंने ओपन किया आउटस्ट्रीम मोड यूज करके, मतलब राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. उसके बाद मैंने cout स्टेटमेंट यूज करके प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे या फिर एग्जीक्यूट करेंगे तब क्या आउटपुट दिखाएगा, एंटर स्टूडेंट डिटेल्स. उसके बाद मैंने स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके गेट डाटा फंक्शन को कॉल किया, तो गेट डाटा फंक्शन के पास जाएगा, तो गेट डाटा फंक्शन में काम क्या है, रोल नंबर एंड नेम मांगेगा यूजर से. यूजर रोल नंबर एंड नेम इनपुट करने के बाद फिर हम स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके पुट डाटा मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे, तो पुट डाटा मेंबर फंक्शन क्या करेगा, नेम एंड रोल नंबर जो कि यूजर ने इनपुट किया था उसको ऐसे आउटपुट प्रिंट करेगा. प्रिंट कर लिया, अभी हम क्या चाहते हैं, यूजर से उसने रोल नंबर एंड नेम को एक्सेप्ट किया, उसको ऐसे आउटपुट प्रिंट किया, अभी हम चाहते हैं कि वो फाइल में उसको लेके स्टोर करके रखे, उस डाटा को वो फाइल में स्टोर करके रखे, तो उसके लिए क्या हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ये है वो स्टेटमेंट. ओके, तो यहाँ पे मैंने लिया एपस्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट फाइल को, उसके बाद जो भी मुझे उस फाइल में राइट करना है उसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, नेम, उसके बाद स्टूडेंट का नेम, उसके बाद रोल, स्टूडेंट का रोल. ये क्या करेगा,
फाइल में राइट कर देगा. क्या फाइल में राइट करेगा? नेम, जो स्टूडेंट का नेम हम रन टाइम में इनपुट किए होंगे, रोल, जो स्टूडेंट का रोल हम रन टाइम में इनपुट किए होंगे, उसको वो फाइल में क्या करेगा? राइट कर देगा. तो मेरा राइटिंग ऑपरेशन खत्म. राइटिंग ऑपरेशन खत्म मतलब फाइल का काम खत्म. तो फाइल को मैंने यहाँ पे क्या किया? फाइल को मैंने क्लोज कर दिया. ओके, तो फाइल को क्लोज करने के बाद, राइटिंग ऑपरेशन खत्म होने के बाद, अभी मुझे क्या करना है? रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है. उस पर्टिकुलर फाइल में मैंने जो भी डाटा राइट किया उसको मैं अभी रीड करना चाहता हूं. तो मैंने फिर से क्या किया? एब्स्ट्रीम क्लास का और एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, रीड फाइल. ओके, रीड फाइल ऑब्जेक्ट को यूज करके मैंने फिर से ओपन फंक्शन के थ्रू एसकेएस फाइल को ओपन किया, जहां पे मैंने मोड क्या यूज किया है? iOS इन. मतलब यहाँ पे मैं फाइल को ओपन क्यों कर रहा हूँ? रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. तो जब मैं रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूं तो मैंने वहां पे यूज किया एंड ऑफ फाइल फंक्शन को. एंड ऑफ फाइल फंक्शन को मैंने क्यों यूज किया है? एंड ऑफ फाइल फंक्शन को मैंने इसीलिए यूज किया है ये चेक करने के लिए कहीं मैं फाइल के एंड में तो नहीं हूं. ओके, तो जब तक मैं फाइल के एंड तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो क्या करेगा? उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को वो एग्जीक्यूट करेगा. तो ये जो रीड फाइल ऑब्जेक्ट है वो जिस फाइल को ओपन करके होल्ड करके रखा है चेक करेगा कि उस पर्टिकुलर फाइल में अभी हम फाइल के एंड में तो नहीं है. अगर फाइल के एंड में नहीं है तो वो क्या करेगा? उस पर्टिकुलर फाइल में जो भी डाटा है उसको रीड करेगा. रीड करने के बाद हम क्या करना चाहेंगे? उसको प्रिंट करना चाहता हूं मैं. तो उसको मैंने सीआउट स्टेटमेंट यूज करके प्रिंट करके देखा कि मेरा प्रोग्राम सच में उस फाइल से डाटा को रीड कर पा रहा है या नहीं. ओके, तो जो भी डाटा हमने वहां पे स्टोर किया था, राइट किया था, क्या राइट किया था हमने? नेम, उसका नाम, रोल, उसका रोल. तो जो नेम एंड रोल हमने वहां पे राइट किया था वही यहाँ पे वो क्या करेगा? रीड करेगा, और रीड करके हमें ऐसे आउटपुट प्रिंट करेगा. उसके बाद इसका काम खत्म. तो इफ स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे क्लोज किया, तो रीडिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म हमने कर लिया. तो रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद रीड फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर फाइल को, एसकेएस फाइल को हम क्लोज करेंगे. तो मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया. तो यहाँ पे जबकि हम कोनियो हेडर फाइल को यूज किया तो यहाँ पे यूज करेंगे गेट सीएच फंक्शन को, उसके बाद मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे. तो आउटपुट क्या दिखाएगा जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे? तो आउटपुट क्या दिखाएगा? मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन शुरू होता है तो फर्स्ट क्या दिखाएगा? एंटर स्टूडेंट डिटेल्स. तो यहाँ पे फर्स्ट दिखाएगा एंटर स्टूडेंट डिटेल्स. फिर हमने गेट डाटा फंक्शन को कॉल किया तो गेट डाटा फंक्शन के पास जाएगा, दिखाएगा रोल एंड नेम. ओके, तो रोल एंड नेम मांगेगा, तो रोल मांगेगा, रोल यूजर इनपुट करेगा, नेम मांगेगा, नेम यूजर इनपुट करेगा. उसके बाद पुट डाटा फंक्शन को कॉल करेंगे तो पुट डाटा फंक्शन क्या करेगा? नेम, नेम, रोल, रोल प्रिंट करेगा. ओके, एक ही लाइन में. तो पहले प्रिंट करेगा नेम, नेम जो इनपुट किया था हमने, रोल, फिर रोल जो इनपुट किया था हमने, प्रिंट कर लिया. अभी क्या करेगा? उसको फाइल में राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फाइल में उस डाटा को राइट कर देगा. किस डाटा को? नेम, एसकेएस, रोल वन, राइट कर लिया. राइट करने के बाद फाइल का काम खत्म, मैंने फाइल को क्लोज कर लिया. फिर से मैंने एक एब्स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके फिर से मैंने एसकेएस फाइल को ओपन किया. यहाँ पे रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैंने एसकेएस फाइल को ओपन किया है. ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे चेक किया कि कहीं ये जो एसकेएस फाइल ओपन है वो फाइल का एंड तो नहीं है, मतलब एंड पॉइंट को पॉइंट तो नहीं कर रहा. अगर पॉइंट नहीं कर रहा वो क्या करेगा? फाइल को रीड करेगा. ओके, तो फाइल को रीड करने के बाद फिर हम सी आउट स्टेटमेंट यूज करके क्या करेंगे कि जो रीड किया उसको हमें एज आउटपुट प्रिंट करना है. तो वो क्या रीड करेगा? जो फाइल में हमने स्टोर किया था. फाइल में हमने क्या स्टोर किया था? फाइल ने हमने इसको स्टोर किया था, नेम एसकेएस रोल वन. तो वो क्या करेगा? फिर से और एक बार यहाँ पे प्रिंट करेगा आफ्टर परफॉर्मिंग द रीडिंग ऑपरेशन. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसकेएस फाइल नाम का हमने जो फाइल बनाया था उस फाइल को हमने यहाँ पे ओपन किया है तो उसमें क्या राइट हुआ है? नेम एसकेएस रोल वन. ओके, सो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया था कि बाय यूजिंग एंड ऑफ फाइल और ईओएफ फंक्शन हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं फाइल के एंड पॉइंट को, और फाइल का एंड पॉइंट पहुंचा या नहीं पहुंचा उसको हम कैसे जान सकते हैं. उसके बारे में एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू आज के क्लास में हमने डिस्कस किया. सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.